यहाँ पे हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, कहता है इन अ फिगर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, जो हमारा ए सी है वो ए ई के इक्वल है और ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है, हमारे दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं, बी ए डी जो है वो ई ए सी के इक्वल है, तो बी ए डी जो है वो ई ए सी के इक्वल है, हमें शो क्या करना है, बी सी जो है वो डी के इक्वल है, तो बी सी ये रहा मेरा और डी ई ये रहा मेरा, इनको मेरे को इक्वल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या रखा है कि बी ए डी जो है अपना है ना, बी ए डी, बी ए डी जो है अपना ई ए सी के इक्वल है, ठीक। मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोनों तरफ डी ए सी को ऐड कर दूँगा, ठीक है। डी ए सी को ऐड करने के बाद क्या होगा, अगर मैं बी ए डी में डी ए सी ऐड करूँगा तो ये पूरा एंगल इतने से इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी ए सी, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जब बी ए डी में डी ए सी ऐड किया और वैसे हम क्या करेंगे, ई ए सी में अपना डी ए सी ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब जैसे ई ए सी में आप क्या डी ए सी ऐड करोगे तो ये एंगल इतने से इतना बढ़ जाएगा, मतलब ये अपना हो जाएगा क्या, ई ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ ऐड किया है, तो मेरे पास दोनों ऐड करने के बाद एंगल क्या हो गया, बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी, ठीक। अब यहाँ पे मैं पहले इक्वल क्या करना था देख लो एक बार, बी सी जो है वो डी ई के इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है ना। तो बी सी देखो कौन सी ट्राइंगल में आता है, बी सी आता है अपना किस में, डी ए सी में, ठीक है। और डी ई किस में आता है, देखो डी ई आता है अपना ए डी ई में, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे कॉन्ग्यूनेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल भी वही दोनों लिए, तो आप एक दोनों ट्राइंगल ले लिए, अब कहता है ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है अपना वो ए डी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक, ये हमें गिवन है, ओके। हमारा ए सी जो है वो ए ई के इक्वल होगा, ए सी देखो कहाँ है, ए सी जो है वो ए ई के इक्वल, ये हमें गिवन है ना। और हमारे जो बीच के दोनों एंगल हैं, ये जो दोनों, अब दोनों मैंने ऐड करने के बाद ये दोनों के लिए कॉमन हो गया है ना, बी ए सी और डी ए ई दोनों हमने इक्वल हैं, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसीलिए ये हमारे दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्यूरेंट प्रूफ हो जाते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्यूरेंसी, ठीक है ना। इसलिए हम इसको अब इक्वल कर सकते हैं बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको यहाँ पे बीच में एंगल ऐड किया है ताकि हम इसको दोनों ट्रायंगल के लिए बीच वाला एंगल कॉमन कर सके, ठीक है। तो इतना सिर्फ आपको याद रखना है इसमें।